Hello students, good morning to you all. How are you all? Fine? Okay, so students, today we are going to study subject English of class 2. Okay, yes. So in the previous lecture, we have completed up till page 66. Last time we have read what? In, on, under, ye sab kahan pe lagana hai, kahan pe use karna hai. Now we are moving further with the page 67. Page 67 pe dekho kya diya hua hai. It is given cursive writing, right? हमको cursive writing लिखना है. पहले हमने A B C D लिखना सीखा था. Now we are going to write words. हमको words कैसे लिखने हैं, okay? Likewise. See, क्या है? तुमको कितनी lines दी हुई हैं? Four lines are given, है ना? One, two, three and this is four. So जो बाहर की दो lines हैं, that is red lines. और बीच की जो दो लाइंस है दैट इज ब्लू लाइंस, है ना. सो हमको क्या लिखना है? फर्स्ट वर्ड देखो तुम्हारे उसमें क्या दिया है, प्ले, है ना. इट इज गिवन प्ले. सो हम प्ले कैसे लिखेंगे? देखो यहां से स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट विद द सेकंड ब्लू लाइन. ये जो थर्ड लाइन है यहां से स्टार्ट करेंगे. इस तरह से पहले जाएंगे सेंडिंग लाइन. किया सबने? यस. सो देन आफ्टर हमको कहां जाना है? नीचे रेड लाइन. So did you get that? Yes. Up till red line you have to go, and then after you will write P in the second line. Like this. Are you understanding what I am saying? Now, अब ये जो P यहाँ पे खत्म किया, इस P को ऊपर तक ले जाएंगे. L बनाने के लिए. So we have to make here L. Blue line पे खत्म करेंगे. So then after यहाँ से cursive writing पे ले जाएंगे A, और ये हो गया हमारा Y. समझ में आ रहा है कैसे करना है? हाउ यू हैव टू राइट. देखो वापस यहां से स्टार्ट करेंगे. स्लैंटिंग लाइन गई रेड लाइन तक आके ऊपर जाके पी बनाना है. पी बनाया देन आफ्टर यू विल राइट हियर एल देन इन द ब्लू लाइन और वाई लेके तुम लोग रेड लाइन पे खत्म करोगे. क्लियर अप टिल दिस? ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है. इट इज गिवन रेन. सो रेन भी तुमको इसी तरह से बनाना है. ओके, पूरा तुमको एक ही लाइन में लिखना है जैसे इससे दिया है. तो मैं तुमको जस्ट इस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ. डन, क्लियर? फोर लाइंस अगेन. यस. सो क्या लिखना है अब हमें? रेन. सो एवरीथिंग विल बी ओनली ब्लू लाइन. यहां से स्टार्ट करेंगे. अगेन स्लैंटिंग लाइन जाएगा देन आर बनाएंगे. फिर क्या करेंगे? आर को यहां से ले जाएंगे ऊपर टच करेंगे एंड यू विल मेक एन हियर. इस तरह से R A I N पूरा ब्लू लाइन में लिखना है. सो R A I N पूरा ब्लू लाइन का ऊपर और नीचे टच होना चाहिए. हो गया रही. नेक्स्ट देखो क्या है? कोड, है ना. हमको कोड लिखना है. सो वन टू थ्री एंड दिस इज फोर लाइन, है ना. फोर लाइन्स हो गई. अब हमको क्या लिखना है? कोड. सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. यस. तो स्लैंडिंग लाइन ले जाके यहाँ से इस तरह से सी बनाओ. कॉसी राइटिंग में ओ देन ए और यहाँ से ऐसे टी. समझ में आ रहा है? टी को हम यहाँ से रेड लाइन तक ले जाएंगे. देखो वापस इस तरह से मैंने यहाँ से सी खत्म किया. अब सी से ही पूरा तुम यहाँ से ले जाके जैसे ओ बनाते हो फिर आपको बनाना है ए. ए बनाया और ऊपर तक ले गए हम. इसको हो गया हमारा टी कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट इज ग्लो, है ना. ग्लो है. सो ग्लो कैसे लिखेंगे? वन टू थ्री एंड फोर लाइंस आर गिवन. हमको बी बनाना है. यहां से जाएंगे ऊपर तक रेड लाइन तक ले जाना है. स्लैंटिंग लाइन में जाना है. कर्व की तरह बनाएंगे. बी हो गया एल ओ डब्ल्यू. समझ में आया? अगेन देखो यहां से ले जाएंगे ऊपर तक बनाया बी एल ओ डब्ल्यू. क्लियर? अंडरस्टैंड आफ्टर दिस? ओके, नाउ टर्न द पेज. क्या करना है देखो, वापस से हमको बनाना है कर्सिव राइटिंग. पेज नाउ 68 पे जाएंगे, है ना. क्लियर? सो देखो फर्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? शिप. इट इज गिवन. सो यहां से फोर लाइंस है ना इस तरह से. यस. सो क्या बनाना है?
ship. So S small आएगा, कर्सिव राइटिंग है, so यहाँ से इस तरह से S बनाएं. Only blue line में S बनाएंगे, okay? Yes. So S ऊपर तक ले जाएंगे, H, I and P को हम नीचे लेके आएंगे. समझ में आया कैसे लिखना है? अगेन देखो, यहाँ से snapping line बनाएंगे, S पूरा जाएगा blue line में, complete किया. फिर यहाँ से S के यहाँ से तुम लोग ले जाओगे H ऊपर red line तक, blue line में complete करना है, then वापस blue line में I और यहाँ से slanting line ले जाके red तक खत्म करनी है, that is P. हो गया ship हमारा. Okay, अब next है wind, है ना? Wind दिया है हमको, ठीक है. तो अब कहाँ से बनाना है? Small ABCD, so blue से ही start करेंगे. ऊपर तक लाइन ले जाओ, W, I, N एंड D को हम रेड लाइन तक लेके जाएंगे. समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? वापस देखो, यहां से बनाओ W, I, N एंड यहां से हो गया हमारा D, wind. क्लियर अप टू दिस? नेक्स्ट इज काइट. क्या लिखना है हमको? वी हैव टू राइट हियर काइट. सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ब्लू लाइन, थर्ड लाइन जो है वहां से ले जाके स्लैंटिंग लाइन रेड तक बनानी है, नीचे आए, ये हो गया हमारा के, है ना? हम इस तरह से लिखते हैं ना? यस. सो जस्ट यू हैव टू टेक अप टिल रेड से खत्म करके ब्लू पे, फिर ब्लू पे आई बनाया, के आई टी ई. समझ में आ रहा है? वापस के हो गया, अब आई एन टी ऊपर एंड ई यहाँ, काइट. अब लास्ट है ट्री. सो ट्री हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? देखो ये फोर लाइन्स की हुई है ना, सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. थर्ड लाइन ब्लू से टी ऊपर तक रेड तक, फिर आर डबल ई ब्लू में. समझ आया ट्री? अगेन फ्रॉम द ब्लू लाइन यू विल स्टार्ट, टी आर डबल ई ट्री. क्लियर? ओके, नाउ सी नेक्स्ट व्हाट इज गिवन इन द पेज 69. क्या दिया हुआ है? फन टाइम. व्हाट इज द हेडिंग? रीड. कलर द बॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर्स इन ऑर्डर. देखो अब वन क्या लाइन है? वन लिटिल ब्राउन बर्ड विद नथिंग टू डू. सो कौन सा बर्ड है? फर्स्ट वाले में ब्राउन है, सो यहाँ पे जो तुमको बर्ड दिखा हुआ है यहाँ तुम ब्राउन कलर करोगे. ओके, यस. Now along came a blue one and then there were two. अब कितने हो गए? टू हो गए. एक कौन से कलर का था? ब्राउन. और दूसरा कौन सा आया? ब्लू. सो अब कितने हो गए? टू बर्ड्स हो गए. अब नेक्स्ट में देखो, ब्राउन बर्ड ब्लू बर्ड फ्लू अप इन द एयर. तो ब्राउन बर्ड पहले दिया है तो यहाँ ब्राउन करेंगे, यहाँ ब्लू दिया है तो ब्लू करेंगे. फिर देखो अ रेड बर्ड, तो जो फोर्थ लाइन है उसमें तुम लोग रेड कलर करोगे. A red bird joined them and then were their dash. तो एक ब्लू हो गया, सॉरी एक ब्राउन हो गया, एक ब्लू हो गया. अब दूसरा आया रेड, तो जो थर्ड आंसर हमारा आएगा वो कितना आएगा? कितने हो गए? थ्री बर्ड्स हो गए, राइट, है ना? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है. व्हाट इज इन द नेक्स्ट लाइन गिवन आफ्टर थ्री? सी, ब्राउन बर्ड ब्लू बर्ड रेड बर्ड सेंट ऑन अ मोर along hop a green bird and then there were dash. So अब हमारे पास यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3. Red के साथ कितने हमारे पास? 3 हो गए. अब अगर red के बाद एक green bird आता है, कि कौन सा bird? Green. तो आप count करो कितने हुए? 1, 2, 3 and 4. तो अब हमारे पास कितने bird हो गए? 4 birds हो गए, है ना? Yes or no? Brown, blue, red and green. तो ये कितने हुए? 4 हुए. Okay. अब देखो आगे क्या है. Down flew a yellow bird and then there were dash. अब अगर इसके बाद एक और बर्ड आता है येलो, है ना? तो अब कितने हो गए? काउंट करो, 1, 2, 3, 4 and 5. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ब्लैंक में 5 लिखेंगे. अब देखो लास्ट लाइन, 5 लिटिल बर्ड्स फ्लाइंग इन द सन, 4 फ्लू अवे एंड देन देयर वर डैश. अब यहाँ पे है ये जो चार बर्ड्स हैं, ओके, दिस फोर बर्ड्स है वो फ्लू अप, मींस ये सारे बर्ड्स फ्लाई करके चले गए. तो अब हमारे पास कितने बचे? ओनली वन. तो हमारी जो लास्ट ब्लैंक है उसमें हम आंसर क्या लिखेंगे? ओ एन ई वन.
ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे तुमको जो जो कलर दिया है, जैसे फर्स्ट में ब्राउन है तो तुमको ये वाले बर्ड में ब्राउन करना है, फिर ब्लू दिया है तो ब्लू करेंगे, है ना? ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू मेक, वी हैव कंप्लीटेड आफ्टर पेज 69, विल मूव फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट बाय बाय, थैंक यू।